नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। IMA की हड़ताल के विरोध में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ के चिकित्सकों ने नगर जगह जगह पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय असुविधा से बचाया जा सके। सभी चिकित्सक आयुर्वेदिक प्रश्नातक को सर्जरी का अधिकार मिलने के समर्थन में पिंक रिबन लगाकर मरीज देख रहे थे। नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर डीडी सिंह ने कहा कि IMA की हड़ताल उनके अड़ियल रवैये को प्रदर्शित करती है। वे जबरदस्ती सरकार को अपनी बात मनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग समाज के हित में पूर्व की भांति इस बार भी चिकित्सा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिले में हर तरफ से नीमा चिकित्सक की चिकित्सकीय कार्य की सूचना प्राप्त हुई है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर VS सिंह ने कहा कि जब वे मरीजों के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब हम लोग इसी तरह से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करते रहेंगे। सचिव डॉक्टर AS खान ने कहा कि जनता की किसी भी चिकित्सकीय समस्या के निवारण के लिए नीमा आजमगढ़ प्रतिबद्ध है। उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष राय ने कहा कि IMA के इस रवैये से हम नीमा के चिकित्सक दुगुनी ऊर्जा के साथ मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने IMA से पूछा कि मरीजों की परेशानी बढ़ाकर आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि चिकित्सक का प्रथम और प्रमुख धर्म तो मरीजों की सेवा ही है। इस अवसर पर डॉक्टर अजीम अहमद, डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर उपमा गुप्ता, डॉक्टर डीडी सिंह, डॉक्टर VS सिंह, डॉक्टर अबू सहमा खान, डॉक्टर मनीष राय सहित जिले के सभी स्थानों पर नीमा चिकित्सक मुस्तैदी से चिकित्सीय कार्य करते रहे। आज IMA की हड़ताल के विरोध में हम नीमा आजमगढ़ के समस्त कार्यकर्ता जिले के हर कोने में, हर बाजार में, जहाँ भी हमारा नीमा चिकित्सक है, आज हर जगह हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। IMA की जो ये बंदर घुड़की है कि हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक परेशान हो जाएगी, हम उसी के जवाब में मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होकर आए हैं। उनकी वजह से चिकित्सा व्यवस्था हम ठप नहीं होने देंगे। मैं जिले के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी की मानिंदगी मत करिए। आपकी चिकित्सा की सारी व्यवस्था नीमा ने कर रखी है, आप अपना इलाज कराइए, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए हमने उनका विरोध किया है। आज चाहे कोई भी बाजार हो, फूलपुर, लालगंज, कप्तानगंज, गोडनपुर, कौड़िया, जो भी बाजार हो, हर जगह हमारे चिकित्सक पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। IMA के पदाधिकारी बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई नीमा से नहीं, सरकार से है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल लड़ाई उनकी सरकार से भी नहीं है। वो हम पिछली बार आपसे बताए, वो कहते हैं कि हम मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं और सरकार ने जो सर्जरी का अधिकार दिया है ये गलत दिया है। मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि वो जो इस दुविधा में है कि सरकार ने BMS के लोगों को सर्जरी का अधिकार दिया, वो टोटल गलत है। सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि आयुर्वेद का PG स्नातकोत्तर ही शल्य चिकित्सा करने के लिए वैध है। जिस तरह से उनका प्लेन MBBS सर्जरी नहीं कर सकता, उसी तरह से हमारा प्लेन BMS सर्जरी नहीं कर सकता। उनके यहाँ भी सर्जरी की मान्यता सिर्फ MS को है, हमारे यहाँ भी सर्जरी की मान्यता सिर्फ MS के लिए ही है। इस गलतफहमी में वो न रहे कि हमारा BMS सर्जरी करने जा रहा है। सर्जरी वही करेंगे जो स्नातकोत्तर डिग्री धारक होंगे। हम IMA के विरोध में आज पूरे जिले में नीमा आजमगढ़ निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। सारे मरीजों का इलाज हो रहा, किसी भी तरह की रुकावट कहीं से नहीं है। पूरे जिले में सारे चिकित्सक हमारे काम पर लगे हैं। इसमें मतलब अभी तक कितने मरीज आए हैं इसमें? हर जगह OPD में 50, 60, 70, 30, 40 निःशुल्क रहेगा। सबका इलाज निःशुल्क होगा और हम